भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान व उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह को हॉकी इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा हॉकी इंडिया सिलेक्शन कमेटी के सदस्य बनाया गया है। इसके पूर्व में हॉकी इंडिया द्वारा एथलीट प्रतिनिधि बनाए गए डॉक्टर आरपी सिंह अब नई जिम्मेदारी के तौर पर हॉकी की उभरती प्रतिभाओं की परख का काम करेंगे। इस नियुक्ति के बाद हॉकी इंडिया की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलिना नॉर्मन ने भी उन्हें बधाई दी। गौरतलब है कि देवरिया जिले के चूड़िया नदौली गांव के मूल निवासी और वर्तमान में यूपी सरकार के खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह भारतीय हॉकी टीम के भी कप्तान रह चुके हैं। डॉक्टर आरपी सिंह दो एशियन गेम्स जिसमें सियोल एशियन गेम्स 1986 व बीजिंग एशियन गेम्स 1990 एशिया कप 1989 के भी पदक विजेता रहे हैं। उन्होंने विश्व कप 1986 लंदन और 1990 लाहौर में भी हिस्सा लिया है। यूपी हॉकी के सचिव डॉक्टर आरपी सिंह खेल करियर में सुल्तान अजलान शाह जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की गोल्ड मेडलिस्ट टीम के भी सदस्य रहे हैं। डॉक्टर आरपी सिंह सब जूनियर नेशनल स्कूल नेशनल सीनियर नेशनल गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। उनकी देखरेख में 2016 में लखनऊ जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें भारत चैंपियन बना था। इसके बाद 2019 में हुई इंडो फ्रांस महिला हॉकी टेस्ट सीरीज के साथ ही कई नेशनल चैंपियनशिप का सफल आयोजन भी उनकी देखरेख में हुआ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए नव नियुक्त हॉकी इंडिया सिलेक्शन कमेटी के सदस्य डॉक्टर आरपी सिंह ने कहा, ये जो है ना हॉकी इंडिया द्वारा मुझे चूंकि जो मेंस वुमेन्स और जूनियर सीनियर जो महिला पुरुष टीमें होती है उसका मुझे चयनकर्ता बनाया गया है और मैं यही कह सकता हूँ कि ये हॉकी इंडिया द्वारा ये मुझे जो चयन किया गया है मैं इस नई जिम्मेदारी पे खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे कि यहाँ के पूर्वांचल पहले दबदबा रहा करता था चूंकि आप इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं तो क्या इससे ये उम्मीद किया जाए कि आपके जो प्रतिभाओं को और ज्यादा प्लेटफॉर्म देने में चूंकि जूनियर सीनियर में उसमें रहेगा तो आपका योगदान रहेगा। देखिए जहां तक देश की बात होती है तो उसमें क्षेत्र का तो कोई महत्व नहीं होता है लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और चूंकि जब राष्ट्र की टीम बनती है तो हम सब उसके एक पार्ट एंड पार्सल है। क्षेत्र वहां काम नहीं करता है, हमारा देश पहले है, बाकी के बाद हम सब लोग आते हैं। मेरा जो भी अच्छे खिलाड़ी होंगे वो कहीं इग्नोर नहीं किए जाएंगे और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल नहीं छूटेंगे। यही मेरा कहने का ये था कि जैसे कि आपके नजरों के सामने रहेंगे आप लोग पार्क ही रहे हैं चूंकि आप बाकी तो वो उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा वो तो वहां पर उनका परफॉर्मेंस उनका उनका तो परफॉर्मेंस ही तो उनको हाँ बिल्कुल उनकी जो एक आवाज है या उनको ये फील होता होगा या कि मेरे को कोई देख नहीं रहा है या मुझे पूरा मौका नहीं मिला तो वो स्थिति नहीं होगी। अगर उनके में प्रतिभा है वो ठीक है तो निश्चित तौर पे उन सभी का सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए एक बार फिर गोरखपुर न्यूज परिवार की तरफ से आपको चयनकर्ता के रूप में हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जी धन्यवाद धन्यवाद बघेल जी।